वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। पिछले दो तीन वीडियो में काफी आप में से काफी सदस्यों ने एक सवाल पूछा है, आज उसी सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि सर हमें एनसीईआरटी पर जाना चाहिए या आरबीएसई पर जाना चाहिए। आपके उसी सवाल को डिटेल से समझाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी और आरबीएसई का सिलेबस जो है वो 9th और 10th में लगभग पूरी तरह से सेम है। एकमात्र जो अंतर है वो भाषा का है। जहां तक एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं अंग्रेजी माध्यम की, वो इंग्लिश मीडियम के अंदर है, और राजस्थान बोर्ड में जो किताबें चल रही है वो ज्यादातर हिंदी माध्यम की है। इसके अलावा और कोई चेंज फिलहाल नहीं है। अब रहा आपके 6th से 8th तक का सवाल, तो वो किताबें भी अब वही हो गई है जो एनसीईआरटी में चल रही थी। यानी आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों में अब कोई विशेष अंतर नहीं है। एक अतिरिक्त चीज जो है वो ये है कि अगर आप आरबीएसई की किताबें रेफर करते हैं तो आपको एक अतिरिक्त किताब मिलेगी कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 में। ये राजस्थान के बारे में है, हमारा राजस्थान या राजस्थान के अध्ययन नाम से ये पुस्तक चल रही है, और ये बहुत अच्छी किताब है। अगर आप इस किताब का अध्ययन करते हैं तो आपका राजस्थान संबंधी करीब 45 से 50% पोर्शन ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। तो आपके पास अगर एनसीईआरटी की किताबें हैं तो आप उनसे ही अध्ययन करें। सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक बार फिर देख लें कि आपके पास जो 6th, 7th, 8th की किताबें हैं ये वही हैं या नहीं। दूसरी चीज ये है कि काफी लोगों ने ये पूछा है कि सर अगर राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं तो हम उन्हें कहां से प्राप्त करें, क्योंकि वो मार्केट में मिल नहीं रही है, ये किताबें आपको बाजार में नहीं मिलेगी। आपके पास दो ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक ये है कि आप 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चों से संपर्क करें और उनसे उनकी किताबें आप प्राप्त करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास यह है कि आप इंटरनेट पर जाएं और इन किताबों को डाउनलोड कर लें। जहां तक राजस्थान बोर्ड की पुरानी किताबों का सवाल है, मैं जानता हूं कि वो वेबसाइट के ऊपर थी और आप उन्हें वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते थे। अब जो किताबें लगी है ये किताबें भी निश्चित तौर पर वेबसाइट पे हैं, होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आ जाएगी, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस एनसीईआरटी बनाम आरबीएसई का जो डाउट है आपका, इसके बीच एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर आप सबको विचार करना चाहिए। मैं उसी सवाल पर आप सबको लेकर जाना चाहता हूं, और इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सवाल ये है कि हम इन किताबों को पढ़ें कैसे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाना नहीं आता। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं कि जैसा किताब में है हूबहू वैसा का वैसा कॉपी में उतार लेते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने नोट्स बना लिए। आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको इसका सरल तरीका बता देता हूं। आप सबसे पहले पुस्तकें हासिल करते हैं, जब आपको पुस्तकें मिल जाएं तो उसके बाद आप एक किताब चुनें। फॉर एग्जाम्पल, हमने 6th कक्षा में हमारा अतीत नाम की किताब है जो इतिहास की चल रही है, वो किताब हमने चुन ली। अब आप उस किताब को एक बार पहली बार में पूरी पढ़ डालें। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तथ्य आपके दिमाग में बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये फर्स्ट रीडिंग जो होती है ये इसलिए होती है ताकि आप उस पूरे सिलेबस को समझ पाए कि कहां से चीजें शुरू हुई है और कहां पर आकर खत्म हुई है। जब आप इस तरह से फर्स्ट रीडिंग करेंगे जिसमें ब्रेन पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपको याद करने का कोई प्रयास नहीं करना है, बस पढ़ना है कि इसमें है क्या। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉपी लेंगे और तथ्यों को लिखेंगे। याद रखिए आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, इसमें 4 ऑप्शन होंगे और आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। रिट का अब तक जो पैटर्न रहा है वो ट्रेडिशनल पैटर्न रहा है, यानी 4 तथ्यों में से एक तथ्य सही होता है उस सही तथ्य को बताना है, या 4 में से 1 तथ्य ही गलत होता है उस 1 तथ्य को बताना है। लेकिन चूंकि कॉम्पिटिशन काफी बढ़ गया है, बच्चों की स्कोरिंग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि विश्लेषणात्मक क्षमता के प्रश्न भी आपके आएंगे और आपको उनकी जानकारी रखनी है। अगर आप विश्लेषणात्मक क्षमता के प्रश्नों की जानकारी नहीं रखते हैं तो ऐसे में आपकी स्कोरिंग खूब प्रभावित हो सकती है, चाहे आपने तथ्यों का सटीक अध्ययन ही क्यों न कर लिया हो। इसे मैं उदाहरण से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक तथ्य है, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ये एक तथ्य है, ऐतिहासिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन अब इस तथ्य के साथ मत बहुत सारे जुड़े हो सकते हैं। जैसे पहला मत यह हो सकता है कि महात्मा गांधी एवं अन्य साथियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने मिलकर संघर्ष करके भारत को आजाद कराया, ये एक मत है। दूसरा मत यह हो सकता है कि भारत की धन संपदा पूरी तरह से लूट चुकी थी, यहां अब लूटने के लिए और कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए अंग्रेज स्वतः ही चले गए, ये दूसरा मत है। तथ्य एक है लेकिन मत दो है। तो जब आप इतिहास को पढ़ें या राजनीति विज्ञान को पढ़ें, खासतौर से सिविक्स को पढ़ें, उस समय आपको ध्यान रखना है, खासतौर से जब आप 8th कक्षा के अंदर आएंगे और संविधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इनिशियल लेवल पर लेंगे, तो आपको मत का ध्यान रखना है। आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी तथ्य के साथ मत कितने प्रकार के चले।
फॉर एग्जाम्पल 1857 की क्रांति है। अब उस 1857 की क्रांति के लिए भी मत बहुत सारे हैं, कुछ कहते हैं वो सैनिक विद्रोह है, किसने ये चीज कही और क्यों कही ये आपको पता होनी चाहिए। कुछ ने कहा कि नहीं ये हिंदू मुस्लिम गठजोड़ का कारण था परिणाम था, तो किसने ये बात कही, क्यों कही और किस पुस्तक में कही ये आपको पता होना चाहिए। तो विश्लेषणात्मक क्षमता आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपकी तैयारी को धार देगी वो ये है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों को इकट्ठा कर लिया जाए, सोशल साइंस के सारे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सब के तथ्यों को इकट्ठा कर लें अपन 10वीं तक और फिर इनके लगातार रिवीजन करें और उसके बाद हम परीक्षा देने बैठ जाएं, एक चीज याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपके निर्णय निर्माण की परीक्षा है। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि तथ्य हमें याद होता है लेकिन हम उसे समझते नहीं है और समझ में कमी के कारण परीक्षा में हम उसका उत्तर गलत लिख देते हैं। कभी कभी हम रीडिंग में गलती कर जाते हैं, कभी कभी किसी तथ्य को समझने में गलती कर जाते हैं और हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो बेटर रास्ता यह है कि जब आप पहली बार सभी तथ्यों का संग्रह कर लें, पूछा भी गया मुझसे कि सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बड़ी आसानी से, सिर्फ फैक्ट चुन लें आप और उस फैक्ट को अपनी कॉपी में एक लाइन में लिख लें, एक कॉपी ही अलग बना लें, छठी क्लास के इतिहास के सारे तथ्य उसमें आ जाने चाहिए और तथ्य इस तरह से आप लीजिए कि सिर्फ उन तथ्यों को पढ़ने से ही आपको पूरा पाठ क्लियर हो जाए। ये आप खास तौर से ध्यान रखिए, जब आप पुस्तकें देखेंगे तो उन पुस्तकों के अंदर वो विशेष बिंदु भी दिए होते हैं, स्मरणीय तथ्य, उन तथ्यों को विशेष तौर पर आपको याद रखना है, याद करना है। ध्यान रखिए आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि अगर आपने किसी लाइन को 4 या 5 बार पढ़ लिया है तो अब आपका वो आंसर गलत नहीं होने वाला, क्योंकि परीक्षा में अगर वो आता है तो आपके ब्रेन उसको ग्रेस्प कर लेगा, बता देगा कि ये पढ़ा हुआ है, तो आपकी हेल्प करेगा निर्णय निर्माण में और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अब हम एक और महत्वपूर्ण चीज की ओर चलते हैं। देखिए मनोविज्ञान के बारे में पूछा गया है और रिट लेवल 1 के बारे में, मैं आपको बता दूं कि मनोविज्ञान की तैयारी थोड़ी सी अलग किस्म की है। मनोविज्ञान या पेडागोजी है, ये विषय ही पूरी तरह अलग है। जहां आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट तथ्यात्मक जानकारी की परीक्षा करता है, वही पेडागोजी और मनोविज्ञान ये आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को जांचते हैं। तो इसमें तथ्यात्मक प्रश्न कम होते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न ज्यादा। तो बेटर यह है कि आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझें, बहुत अच्छी तरह से समझें, विभिन्न उदाहरणों से समझें। अब रहा सवाल कि इसमें किताबें कौन सी पढ़ी जाए, तो एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि टीचिंग मेथड के लिए आप जो भी पुस्तक आपको मिल रही है बाजार में, जो भी अवेलेबल है या कोई गाइड ही है और वो अवेलेबल है, आप उसको ले आइए, क्योंकि ये कंटेंट आपको सारी किताबों में सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं जिस तरह से मैंने की थी, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि टीचिंग मेथड के लिए आप लोग इग्नू के नोट्स का अध्ययन करें। इग्नू का सारा मटेरियल जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इग्नू के वेबसाइट पे जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो टीचिंग मेथड की जानकारी दे रखी है वो लाजवाब है, बेमिसाल है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है और पहली बार में पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। इग्नू की किताबें इस तरह से लिखी हुई है कि जब आप एक दो बार उन किताबों को पढ़ेंगे तो पूरी थीम, पूरी थियरी आपके ब्रेन को क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहें कि अब तथ्यात्मक जानकारी और ली जाए, तो आप किसी भी गाइड को ला सकते हैं, किसी भी गाइड को। बाजार में मिलने वाली सभी गाइडों में लगभग फैक्ट समान है और आपको सिर्फ तथ्य इकट्ठा करना है इस परीक्षा के लिए। तो बेहतर है आप इग्नू से शुरू करें, और अगर इग्नू का मटेरियल फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है आपके पास में, तो आप शुरुआत करें 11वीं कक्षा की मनोविज्ञान से। इससे आपको थोड़ा सा इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मनोविज्ञान है क्या और किस तरह से ब्रेन सोचता है, किस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है। ये जानकारी आपको 11वीं कक्षा की मनोविज्ञान की किताब से हो जाएगी, इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर लें, बाद में अपने प्रिंटर से प्रिंट निकलवा लें। ये महत्वपूर्ण चीज थी। अब हम देखते हैं कि हम तैयारी का आगाज कर चुके हैं, परीक्षा कभी भी हो सकती है, ऐसे में अपने आप को अच्छी तरह से शेड्यूलाइज कर लीजिए। आप अपनी ऐसी रणनीति बनाइए कि आप बहुत सटीक तरीके से काम कर सकें। अगर आपके पास सिर्फ 4 घंटे ही बचते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट का एक बहन ने सवाल पूछा था, मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, हमारे पास 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में से आप 10 घंटे निकाल दीजिए जो आपके सोने के, रेस्ट करने के, नहाने खाने के इनके हैं। अब आपके पास 14 घंटे हैं। ये 14 घंटे भी आपके पास तब हैं जब आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि, मान लेते हैं कि आप कोई जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, या आप हाउसवाइफ हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ 4 घंटे स्पेयर बचते हैं, ये 10 घंटे और निकाल दीजिए आप।
मतलब ये हुआ कि इन चार घंटों का ही आपको उपयोग करना है अपनी तैयारी के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये चार घंटे भी अगर आप रेगुलर चलेंगे तो सफिशियंट है, पर्याप्त है आपके लिए और आप बेटर स्कोरिंग कर पाएंगे। इन चार घंटों का उपयोग कैसे करना है वो इस वीडियो का सारांश है जो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आप जिस भी सब्जेक्ट से उसका मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए और उन नोट्स को कॉपी में उतार लीजिए। अब कुछ लोगों की आदत है, वो ये कहते हैं कि सर हम नोट्स कॉपी में क्यों उतारें, लिखने में समय खराब होता है, हम डायरेक्ट किताब से पढ़ लें। देखिए आप डायरेक्ट किताब से पढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन आप जब रिवाइज करने जाएंगे तो आपको वापस पूरा का पूरा उतना का उतना पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना समय आपने पहली बार पुस्तक को पढ़ने में लिया है उतना ही समय आपको दूसरी बार रिवाइज करने में भी लगेगा, तो इसमें आपका समय खराब होगा। तो शुरू में अगर समय लगता है नोट्स लेते समय, कोई बात नहीं, आप ये समय लगने दीजिए, जितना भी लगेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद जब आप रिवीजन फेज में जाएंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि अगर आप सोशल साइंस के हैं तो हर दो दिन में आपका पूरा कंटेंट रिवाइज हो, ये आपको रणनीति बनानी है। और पूरे कंटेंट को अगर आपके हैंडमेड नोट्स हैं जो आपने वन लाइनर नोट्स बनाए हैं, खुद ने बनाए हैं, मेहनत करके बनाए हैं छठी से लेकर दसवीं तक, तो आप निश्चिंत रहिए आपके पास अगर चार घंटे भी हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप उन दो घंटे उन नोट्स को दे सकते हैं और उनका परीक्षा से पहले करीब 40 से 45 बार रिवीजन कर सकते हैं। 40 से 45 बार रिवीजन का मतलब ये होता है कि चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आपके दिमाग में बिल्कुल सेव है, और अगर वो परीक्षा में आएंगी तो आपके लिए अनजान नहीं है, आप उन्हें कर पाएंगे। पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा आप पेडागॉजी के ऊपर। देखिए आपकी जो मेरिट डिसाइड करते हैं वो दो सब्जेक्ट हैं। अमूमन राजस्थान में लोगों की अंग्रेजी कमजोर होती है, तो एक तो अंग्रेजी ऐसा विषय है जो आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, आपकी फाइनल मेरिट, और दूसरा है मनोविज्ञान और पेडागॉजी। ये ऐसे सब्जेक्ट है, खासतौर से पेडागॉजी ऐसा सब्जेक्ट है और साइको ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तथ्यात्मक प्रश्न करीब 10% ही है, बाकी 90% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो विश्लेषणात्मक है, हाइपोथेटिकल कंडीशन आ जाएगी और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि आपने जो थियरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आप में समझ डेवलप हुई है या नहीं, क्या आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है या नहीं, जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर किसी नवीन परिस्थिति का सामना करने पर आप उसको समझ पाते हैं या नहीं, दिए गई स्थिति या प्रश्न के दौरान आप उसको समझकर उत्तर दे पाते हैं यानी डिसीजन मेकिंग ढंग से कर पाते हैं या नहीं, इन चीजों की परीक्षा होती है आपके मनोविज्ञान और पेडागॉजी में। तो वो जो 30 नंबर हैं उसमें से करीब 10 नंबर ही ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं जिसमें पूछा जाता है अमुक पुस्तक किसने लिखी, अमुक थियरी किसने दी है, ठीक है। लेकिन बाकी जो 20 हैं जो मैं खुद मानता हूं कि वो मेरिट डिसाइड करते हैं, उन 20 प्रश्नों में विश्लेषणात्मक क्षमता की परीक्षा होती है। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सबसे पहली चीज ये है आरबीएससी बनाम एनसीईआरटी का आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। जो भी आपके पास है वो सेम है, अवेलेबल है, आप पढ़िए। सिर्फ राजस्थान अध्ययन अलग है, वो आप मंगवा लीजिए बाजार से, नहीं मिलती है किसी बच्चे से ले लीजिए, और वहां भी नहीं मिलती है तो निश्चिंत रहिए इंटरनेट पर कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी, हम डाउनलोड कर उसके लिंक दे देंगे, ठीक है। ये पहली चीज थी। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, जो वर्किंग लेडीज हैं या जो कामकाज कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो ध्यान से सुन लें कि 24 घंटे नहीं, उनके पास सिर्फ 4 घंटे ही बचते हैं। इन 4 घंटों का प्रारंभिक एक महीने में उन्हें उपयोग करना है नोट मेकिंग में, यानी जितना हो सके आप नोट्स बना लें, और कोशिश कीजिए कि आपके नोट्स वन लाइनर हो। वन लाइनर नोट्स को पढ़ना और समझना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वन लाइनर नोट्स पढ़ने और समझने में बड़े आसान होते हैं, तो ये आपकी काफी हेल्प करेंगे, आपका काफी समय बचाएंगे, खासतौर से तब जब आप रिविजन कर रहे होंगे। याद रखिए इस तरह की परीक्षाओं में पढ़ना पर्याप्त नहीं है, पढ़ने के साथ साथ रिविजन करना भी जरूरी है। तो अगर आपके रिविजन पर्याप्त नहीं हो पाए हैं तो आपको इस परीक्षा में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि वन लाइनर नोट्स हों और वो इस तरह के हों कि हम उन्हें बड़ी तेजी के साथ रिवाइज कर सकें। रिवीजन इस तरह से होना चाहिए कि हर दो दिन में कंप्लीट आपका एसएसटी का सिलेबस, या अगर आप साइंस मैथ से हैं तो उसका पूरा सिलेबस कंप्लीटली रिवाइज होना चाहिए। ये इस परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है, इसका कोई अन्य शॉर्टकट नहीं है। अगर आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं तो आप देखेंगे कि अगर वो वन लाइनर लिखे हुए हैं तो ठीक है, ओके है, लेकिन अगर वो डिटेल लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में लिखे हुए हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उनके भी नोट्स ले लें। नोट मेकिंग करते समय एक चीज का ध्यान रखें कि जो तथ्य आपको बहुत अच्छी तरह याद है उनको लिखकर कागज और अपना समय बर्बाद ना करें, आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं क्योंकि परीक्षा में वो सामने आएंगे और आपका ब्रेन आपको उसकी जानकारी दे देगा। जहां तक मैं मानता हूं कि छठी सातवीं आठवीं कक्षा के अंदर करीब 30-35% चीजें ऐसी है जिनकी जानकारी आपको ऑलरेडी होगी, आप चाहें तो उन्हें स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इस बात का खास ध्यान रखिए। इस परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो खास तौर से वर्किंग लेडी और कामकाजी लोगों के लिए जो 4 घंटे का समय मैं बता रहा हूं कि आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए रोजाना सिर्फ 4 घंटे का ही समय होगा, इस 4 घंटे का सदुपयोग कीजिए, नोट मेकिंग अच्छी तरह कीजिए और बाद में जब आप रिविजन करने जाएंगे तो ये 4 घंटे आपके लिए सिलेबस को रिवाइज करने के लिए पर्याप्त है। पेडागॉजी और साइकोलॉजी पर मैं खुद वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा ताकि आपको उससे थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं समझ पाता हूं मनोविज्ञान को और पेडागॉजी को उतनी मैं आपकी मदद करूंगा, वीडियोस बना दूंगा, डाल दूंगा। कोशिश करूंगा कि किसी भी वीडियो में जो मनोविज्ञान से रिलेटेड है, पेडागॉजी से रिलेटेड है, उसमें सारे तथ्य शामिल कर सकूं ताकि वीडियो आपके लिए सफिशियंट हो जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। यदि आपको अभी भी किसी किस्म का डाउट है या किसी भी और तरह की समस्या आती है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। जय हिंद।